नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर, महानगर पालिका में इस वक्त भ्रष्टाचार अपने पूरे चरम पर है। मनपा का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर बगैर अड़चन के कोई भ्रष्टाचार ना किया जा रहा हो। मानो एक खुली छूट मिल चुकी है भ्रष्टाचार की। अनेक विभागों में भ्रष्टाचार अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। एक भ्रष्टाचार को आज मैं उजागर करने जा रहा हूँ, और यह न केवल मेरा आरोप है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने खुद आरोप लगाया है कि महानगर पालिका एक प्रोजेक्ट में स्थानीय नगर सेवक, शांति स्टार बिल्डर और मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में मिलकर बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको पूरा खुलासा बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शांति नगर सेक्टर 6 का सर्वेश्वर मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर में कई बिल्डरों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें से एक शांति स्टार बिल्डर भी है। इस मंदिर का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका गैर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देख सकते हैं आपके। इसी मंदिर का जो प्रीमाइसेस है, जो खाली जगह है, वहाँ पर शांति स्टार बिल्डर ने अपने एक प्रोजेक्ट का तमाम सामान यहाँ पर रखा हुआ है। रेत है, सीमेंट है, सलिया है। यहाँ से ही बगल में जो एक आरजी ज़मीन है, जिसे स्थानीय जो लोग हैं उनका मानना है कि ये उन लोगों का ही आरजी है, उस आरजी को जबरन कब्जा करके और महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिली भगत करके शांति स्टार बिल्डर ने इस ज़मीन को हथियाया है। और यहाँ पर महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग और मनपा प्रशासन से मिली भगत करके इस ज़मीन पर एक कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। इस तरह का आरोप न केवल भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने लगाया है, बल्कि सालों से अपने हक की, अपने अधिकार की ज़मीन पाने के लिए जो लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भी मानना है कि लोकल कॉरपोरेटर के, शांति स्टार बिल्डर और मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के मिली भगत के चलते ही इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास भी उछल पड़े हैं, और उन्होंने यकीन दिलाया है स्थानीय निवासियों को कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, उनके न्याय की लड़ाई रवि व्यास खुद लड़ेंगे, जो कि अब एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि क्या कहना है स्थानीय निवासियों का, और फिर उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने कैसे आरोप लगाया है मनपा के भ्रष्ट अधिकारी, लोकल कॉरपोरेटर जो कि बीजेपी से ही है। मामला ऐसा है कि 1989 में ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, लगभग 32 साल हो चुका है इसको, और जो बिल्डिंग से अटैच जो प्लॉट है, जो हमारा गार्डन था जहाँ पे बच्चे सब खेला करते थे, और जब बिल्डर ने हमें ये फ्लैट बेचा तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो भी स्टिल्ट एरिया है, पार्किंग एरिया है, ओपन स्पेस है, रिक्रिएशन एरिया है, वो उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रहवासियों का है। उसके बावजूद हमने बहुत सारे पत्राचार किए महानगर पालिका में, शासन प्रशासन में बहुत सारे आंदोलन भी हुए, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। अब जाके 2013 में बिल्डर ने, शासन हो या प्रशासन हो, उनकी मिलीजुली भगत से इन्होंने एक प्लान को रिवाइज किया, जो कि मोफा एक्ट के तहत रिवाइज नहीं किया जा सकता। मोफा एक्ट में सेक्शन 7 वो बोलता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ईच एंड एवरी फ्लैट ओनर, मतलब हर एक रहवासी से विदाउट एनओसी लिए हुए इस आरजी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसको उल्लंघन करते हुए बिल्डर ने प्लान को रिवाइज किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, और उसके खिलाफ जब सोसाइटी और बाकी लोगों ने आंदोलन किया, डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की, तो उसका कुछ जवाब नहीं मिला, हमें गोल गोल घुमाया गया। उसके बावजूद 1995 में सोसाइटी के द्वारा एक कन्वेंस के लिए लेटर शांति स्टार बिल्डर को लिखा गया था, जिस पे बिल्डर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, न तो हमारे सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस करके दिया। 26 साल बीत चुके हैं। इसका कारण ये है कि अगर सोसाइटी के नाम पर कन्वेंस करके बिल्डर ने दे दिया होता, तो इसकी जो FSI या TDR, जो भी टेक्निकल आप बोलिए, वो यूटिलाइजेशन उसका बिल्डर आरजी प्लॉट पर नहीं कर सकता था। वही कारण है कि बिल्डर ने हमें कन्वेंस करके नहीं दिया, और आज इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर, हम लोक प्रतिनिधियों को यही कहेंगे कि हम वोट दे रहे हैं और आप हमारे लिए हैं, ना कि हम आपके लिए हैं।
हर एक वोट आपको इसलिए दिया जाता है कि आप जो भी हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर ये तो बिल्डर की और प्रशासन की मिली जुली है, इसलिए वो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। काफ़ी बड़ा घोटाला लग रहा है इसमें। हमको बहुत उम्मीद है रविदास जी करेंगे, रुकवाएंगे और तुड़वाएंगे भी ये पूरा काम, हमारा गार्डन हमको वापस दिलाएंगे। प्रतिनिधि होने के नाते हम सभी का फ़र्ज बनता है कि हम जनता के साथ में खड़े रहें। जब ये बिल्डिंग वालों ने मुझसे बात की तो मैंने हमारे जिला अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इस मामले को हमारी सत्ता भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में है, तो हमें इस पर और ध्यान देकर जनता को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जब तक पब्लिक की जो भी समस्या है उसमें जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ज़रूर उनके साथ खड़ी रहूँगी। मैंने जब RTI एक्ट के तहत जब दस्तावेज निकाले तो मुझे कुछ दस्तावेज मेरे हाथ में लगे, उसमें से एक दस्तावेज है 18/1/2020 में ये बालाजी खतगांवकर साहब ने एक लेटर लिखा हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि शांति नगर में जितने भी RG है उसके अंदर से बहुत सारे RG के ऊपर जगह मालक ने कब्जा कर रखा है और उसके ऊपर केस भी चालू है। तो जब इस तरीके का मालकियत को लेकर वाद चालू है तो 2 महीने के बाद 16/3/2020 में प्लान कैसे रिवाइज हो जाता है, पहली बात ये है। दूसरी चीज़, सेक्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ये सारे RG के ऊपर अतिक्रमण है और जिसके ऊपर केस चल रहा है और नगर पालिका केस हार चुकी है, राहुल डेवलपर केस जीत चुका है। तो अभी ये जो RG है ये सोसाइटी को कौन देगा, बिल्डर देगा या नगर पालिका देगी, पहली चीज़। दूसरा, एक पैंकरपाड़ा में सर्वे नंबर 17 है, इसका 6,354 स्क्वायर मीटर का एरिया जो CRZ1 में आता है उसकी पूरी FSI ये लोग ने प्लॉट A1 में यूज़ कर लिए है, उसमें कोई भी NOC नहीं है, पर्यावरण भी कुछ नहीं है। उसके बाद सर्वे नंबर 27 हिस्सा नंबर 2 और सर्वे नंबर 34 पैंकरपाड़ा, इसके ऊपर रेवेन्यू विभाग का मट्टी भराव का 30 लाख का बोझा है जो अभी तक 2003 से लेकर आज तक भरा नहीं गया है। और सर्वे नंबर 42 पैंकरपाड़ा, इसमें टेनेंट्स लोग का नाम है अदर राइट पे, इनकी भी कोई NOC नहीं ली गई है, प्लान पास हुआ है, सोसाइटी की NOC नहीं ली गई है इसके अंदर। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है दिनेश जैन, उन्होंने कोर्ट में केस डाला था, मैं उनके ऑफिस में 2 से 3 बार गया कि अगर आप कोर्ट में नहीं जा पा रहे हो तो फाइल मुझे दो, मैं अपीयर होता हूँ कोर्ट में, लेकिन उन्होंने वैसा ना करते हुए केस वापस ले लिया। और थोड़े दिन के बाद में जब मैंने ऑनलाइन Index 2 चेक किया तो दिनेश जैन के नाम पे एक फ्लैट Sector 1 में उन्होंने अपनी वाइफ, अपने बच्चे और ख़ुद के नाम पे ख़रीदा है। तो ये समझने वाली बात है कि आप केस करते हो और बिना बोले केस वापस ले लेते हो और फ्लैट भी ख़रीदते हो, तो आपने जो केस में ऑब्जेक्शन डाला था वो सब गलत था क्या, ये हमारा सवाल है। आज यहाँ पे ये हुआ, सचिन पाटिल जो इंजीनियर है उनका 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपने जो कंप्लेंट की है उसके लिए हम स्थल पानी के लिए आ रहे हैं। वो आए, 260 एकड़ का स्थल पानी सिर्फ उन्होंने 15 मिनट में ख़त्म करके चला गया। हम उनको बोल रहे हैं कि यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं आ सकती है, तो उनका बोलना था कि ये काम मेरा नहीं है, ये फायर विभाग के लोग करते हैं। तो हमारा ये बोलना था कि आप लेके आना चाहिए था उनको साथ में, कमिश्नर ने भी ठाकुर साहब को बोला था कि फायर की गाड़ी जा सकती है कि नहीं बराबर चेक करना, लेकिन इस प्रकार का कोई भी उन्होंने स्थल पानी नहीं किया। ये तो बिल्डर का ही भ्रष्टाचार चल रहा है नगर सेवकों के साथ मिल के, क्योंकि जब इस तरीके RG के ऊपर अतिक्रमण है तो कानूनी तौर से रिवाइज नहीं हो सकता है प्लान। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कमिश्नर खुद लिख के दे रहे हैं कि RG के ऊपर अतिक्रमण है, बिल्डर ने हमारी फसवणूक किया है, विवादित RG हमको हैंडओवर किया है जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान हो रहा है महानगर पालिका का, केस लड़ना पड़ रहा है हमको, ऐसा बोला हुआ है 1 महीने पहले, और 1 महीने के बाद प्लान रिवाइज हो जाता है जो कि केस अभी भी चालू है। सर हमें उम्मीद है और लास्ट उम्मीद यही बची हुई है, लास्ट हम रवि व्यास जी के पास ही गए थे और उम्मीद है, इसीलिए वो हमें एक चिराग उन्होंने जलाया हुआ है और उसे एक बड़े अंगार में बदलना है। हम इन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि इसका निवारण हो और ये RG प्लॉट है जो काम चल रहा है उसे बंद कराया जाए और जो गार्डन है हमारा वापस कराया जाए, क्योंकि अभी कुछ 10-15 दिनों पहले हमने एक आंदोलन किया हुआ था, उसमें सभी सोसाइटी के लोग आए हुए थे, उसमें हमारी बिल्डिंग के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके घुटने में चोट आ गई, ये सब हमें करना पड़ रहा है बिल्डर की मनमानी की वजह से। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार है, हमारे बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, यहाँ हवा पानी आना बंद हो चुका है,
बुजुर्ग लोग बैठ नहीं सकते हैं, गार्डन नहीं है, वहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है बुजुर्गों को। बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती है, एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है, स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती है, यहाँ से स्ट्रेचर पे लेके जाए आए आज अपने लिए इधर, और उससे बहुत आशा है सोसाइटी को, पूरा सोसाइटी आशा है ना सब लोग। अभी कुछ रिजल्ट आएगा हमारा ऐसा लग रहा है। हम बीजेपी के अध्यक्ष के पास पहुंचे, जो नगर सेवक के पास हमारा जो बात नहीं सुन रहे थे वो हिसाब से हमने अध्यक्ष के पास पहुंचे, अध्यक्ष जी का टाइम लिया, वो टाइम हमने दिया, वो बहुत हमारे लिए मूल्यवान है। और हम चाहते हैं रवि व्यास जी हमारा काम पूरा कर देंगे। बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि शांति स्टार बिल्डर ने कुछ लोक प्रतिनिधि और महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में मिली भगत करके बड़े पैमाने पर आर्थिक भ्रष्टाचार करके इस जगह पे गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। महानगर पालिका की दिशा भूल करके यहाँ पे एक रिवाइज सीसी की परमिशन ली गई है, यहाँ पे इल्लीगल तरीके से कई सालों पुराने पेड़ों का कत्ल किया गया है और सोसाइटी के लोगों को ज़बरदस्ती गुंडागर्दी और दादागिरी कर इस गार्डन का पोजीशन बिल्डर ने अपने हाथों में ले लिया है। आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे इस दरवाजे के सामने पतरा लगा दिया गया है, एक पतरे की दीवार बना दी गई है। ये जो सीसी दी गई है शांतिसार बिल्डर को महानगर पालिका की तरफ से एकदम बोगस और गलत तरीके से दी गई है, नियम का उल्लंघन किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड की NOC इस परमिशन में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आग लग जाए या कोई भी घटना हो जाए तो यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे घूम नहीं सकती है। ये छोटे तबके के लोगों को घर ना देते हुए यहाँ पे अपने हिसाब से कमर्शियल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी लिखित रूप से मैंने आयुक्त साहब को और टाउन प्लानिंग के अंदर शिकायत की है, सोसाइटी के रहवासियों ने अपने अपने स्तर से सभी लोगों को लिखित रूप से शिकायत की है, तकरार की है। मैंने टाउन प्लानर से बात भी की थी परसों और उन्हें कहा था कि जब तक इसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, ऑफिशियली जांच नहीं करते, तब तक आप इसे इस प्रोजेक्ट को स्टॉप वर्क दिया जाए, इसका काम रोका जाए। लेकिन ये काम आज भी धड़ल्ले से शुरू है, उल्टा जब से मैंने कहा है उसके बाद में दुगनी रफ्तार से ये काम शुरू हो गया है। और यहाँ के जो सोसाइटी के रहवासी है उन्होंने यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो चाहे विधानसभा के सदस्य हो सभी के पास में इन लोगों ने गुहार लगाई है, आयुक्त साहब के पास में गुहार लगाई है, लेकिन फिर भी इनकी अनदेखी की जा रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये आने वाले समय के अंदर हम लोग जल्द ही इस शांति स्टार बिल्डर के ऊपर डीम कन्वेंस पे सहयोग ना करने के लिए, करके ना देने के लिए उनके ऊपर हम लोग FIR भी करवाएंगे सोसाइटी के माध्यम से। और अगर महानगर पालिका के माध्यम से न्याय नहीं मिला, हम लोक आयुक्त के पास जाएंगे, हम UD में कंप्लेन करेंगे और फिर भी नहीं हुआ तो इसकी जल्द ही PIL दाखिल की जाएगी उच्च न्यायालय के अंदर। और साथ के अंदर हम लोग जन आंदोलन भी, तीव्र जन आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इन यहाँ के स्थानीय रहवासियों के लिए किया जाएगा। भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि व्यास ने बताया कि कैसे आर्थिक रूप से लेन देन करके इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ग्राउंड प्लस 3 का प्रोजेक्ट है जो कमर्शियल है और इसमें फर्स्ट फ्लोर जो है वो पूरा एक राजनेता को दिया गया है, ऐसे हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। आप सब दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा और ख़ास तौर से हमारे मनपा के उन भ्रष्ट अधिकारियों से बताना चाहूँगा कि जिनकी जिम्मेदारी है शहर को हरा भरा रखना, शहर को एक ताज़े वातावरण में रखना, लेकिन इस बिल्डर ने कैसे अपना प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पर इस प्लॉट पर जो पेड़ थे उन पेड़ों को नष्ट करते हुए उन्हें जलाया है, कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया है जिसके चलते ये पेड़ आप देख सकते हैं कि पूरा सड़ने की हालत में हो चुका है और ये कभी भी गिर सकता है, पूरे पेड़ को जला दिया गया है। इसी प्रोजेक्ट में आप इस कोने पे अगर देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा जूम करके दिखाए कि ये जो पेड़ है यहाँ पर पेड़ों की टहनियों को काट के एक अलग साइड में रख दिया गया है, यहाँ पर जितने पेड़ थे उन पेड़ों को काट दिया गया है ताकि इस प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, पेड़ों के चलते कोई परेशानी ना हो। ये देख सकते हैं आप इन पेड़ों को कैसे यहाँ पर जलाया गया है और शुरुआत से ही बिल्डर ये करते आ रहे हैं, जिसकी शिकायतें स्थानीय निवासियों ने करते आए, मगर मनपा प्रशासन ने इस मामले में अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का जो फ्रंट का जो एरिया है उस एरिया को
हमारे दर्शकों को दिखाए कि यहाँ पर आज जितना ये हरा भरा इलाका दिखाई दे रहा है, पेड़ों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, उन पेड़ों को भी आगे चल के भविष्य में ये बिल्डर काट देगा और इसमें मनपा प्रशासन की मंजूरी भी होगी। मनपा प्रशासन ज़रूर इस बिल्डर के फायदे के लिए इन पेड़ों को काटने की इजाज़त दे देगा। ये वो फ्रंट का हिस्सा है, सामने का हिस्सा है जहाँ पर आज ये पेड़ लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। जो एक्सिस बैंक है, उस एक्सिस बैंक के जस्ट अपोजिट में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है शांति नगर सेक्टर 6 का, ये वो पूरा मामला है। अब ऐसे में इस खबर के माध्यम से मैं सवाल करना चाहूँगा हमारी शहर की MLA गीता जैन से, जिन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 9 वचन का जिक्र किया था कि वो 9 वचन निभाएंगे इन 5 सालों में, जनता से वचन किया था। उन 9 वचन में से एक वचन था उनका भ्रष्टाचार, कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगी। ऐसे में हमारी शहर की MLA गीता जैन कहाँ है, क्या उन्हें इस पूरे मामले की कोई खबर नहीं है? अगर खबर नहीं है तो ये खबर के माध्यम से हम उन्हें ये भ्रष्टाचार उनके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पूरे मामले में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों की वो जांच करवाएगी। वो मांग करेगी कि इस भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से रोका जाए। जिन लोगों ने आपस में साठगांठ करके इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और बिल्डर के निजी फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ़ में भी वो कार्रवाई की मांग करेंगे। और अपना एक वचन, जो 9 वचन उन्होंने दिए थे, उसमें से एक वचन तो वो कम से कम पूरा कर सकती है, ऐसी हमें आशा है। और स्थानीय निवासियों को भी आशा है कि MLA गीता जैन ज़रूर इस पूरे मामले में उनका साथ दे, उनके न्याय की लड़ाई लड़े, जिसके चलते दोषियों पर कार्रवाई हो। इस तरह की मांग भी इस खबर के माध्यम से हम MLA गीता जैन से करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।